नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनूप निगम है। मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। आज का टॉपिक है असाधारण सोच, जिसको हम इंग्लिश में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहते हैं। एक गांव था और उस गांव के अंदर एक परिवार रहता था जिसका मुखिया एक बिजनेसमैन था। वो उस गाँव के अंदर अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहता था। वो जो बिजनेसमैन था, उसने अपने बिजनेस को इस्टैब्लिश करने के लिए वहाँ का जो साहूकार था उससे कुछ उधार ले रखा था। साहूकार उस गांव का जो था वो बहुत ही चालाक, बहुत ही शातिर और बहुत ही बदमाश किस्म का इंसान था। साहूकार उस बिजनेसमैन की बेटी से शादी करना चाहता था। एक दिन वो साहूकार उस बिजनेसमैन के पास गया और उसने बोला, या तो तुम मुझे मेरा ऋण चुका दो वरना अपनी बेटी से मेरी शादी कर दो। लेकिन जो बिजनेसमैन था वो उस साहूकार से अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि जो साहूकार है उसके कुकर्मों के कारनामे पूरे गांव के अंदर फैले हुए थे। बिजनेसमैन ने साहूकार को बोला कि देखो, अभी मैं तुम्हारा ऋण तो नहीं चुका सकता, लेकिन अपनी बेटी की शादी मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। इस बात पर उस साहूकार को गुस्सा आ गया और उसने गांव के पंचों को इकट्ठा कर लिया। गांव के जो पंच हैं उनसे उसने कहा कि मुझे इसकी बेटी से शादी करनी है, या इसको बोलो कि ये मेरा ऋण वापस कर दे। जो गाँव के पंच हैं उन्होंने कहा, देखो ये बिजनेसमैन की बेटी का सवाल है, तो तुम दोनों आपस में मिल करके हमारे सामने ही कोई सुलह कर लो। जैसा कि मैंने बताया, वो साहूकार बहुत ही चतुर और चालाक था। उसने कहा, ठीक है, मैं यहाँ पर एक गेम खेलूंगा और अगर इस बिजनेसमैन की बेटी इस गेम के अंदर जीत गई तो मैं ना तो इससे शादी करूंगा बल्कि इसके पिता का ऋण भी माफ कर दूंगा। तो गाँव में जितने भी लोग थे, पंच थे, उसकी बिजनेसमैन की बेटी थी, वो भी इस बात के लिए तैयार हो। साहूकार ने क्या किया कि वहाँ पर कुछ पत्थर पड़े हुए थे, सफ़ेद कलर के और काले कलर के, उसमें से दो पत्थर उसने उठाए और एक थैले के अंदर डाल दिए। उसने उन पत्थरों को इतनी शातिरता से उठाया कि वहाँ पर जितने भी उपस्थित लोग थे वो उनको देख नहीं पाए, लेकिन जो बिजनेसमैन की बेटी थी उसने ये देख लिया कि उस साहूकार ने उसमें से दोनों के दोनों काले पत्थर उठाए हैं। उस साहूकार ने पंचों को बोला कि हे पंचों, मैंने इस बैग के अंदर दो पत्थर डाले हैं, एक का कलर है ब्लैक और एक का है वाइट। अगर बिजनेसमैन की बेटी इसमें से वाइट कलर का पत्थर निकाल लेती है तो मैं इससे शादी नहीं करूंगा और बल्कि इसके पिता का ऋण भी वापस कर दूंगा। सब इस बात के लिए तैयार हो गए। अब बिजनेसमैन की बेटी के पास तीन विकल्प थे, या तो वो इस परिस्थिति में पड़े ही नहीं और इस परिस्थिति से भाग जाए, दूसरा उसके पास विकल्प था कि वो जाए आगे बढ़े और उस बैग को उल्टा करके पूरे पंचों को और पूरे गाँव वालों को ये दिखा दे कि ये साहूकार झूठ बोल रहा है और उसमें दोनों के दोनों काले पत्थर हैं। तीसरा विकल्प उसके पास ये था कि वो जाए आगे बढ़े और उसमें से एक पत्थर निकाल ले और अपने आप को शहीद कर दे अपने पिता के ऋण को माफ कराने के लिए। बेटी कुछ कश्मकश में थी और कुछ ना कुछ सोचते हुए वो आगे की तरफ बढ़े और उसने उसमें से एक पत्थर निकाला और बड़ी कलाकारी से, बड़ी शातिरता से उसने एक्सीडेंटली उस पत्थर को अपने हाथ से उन्हीं पत्थरों के बीच में छोड़ दिया जहां सारे पत्थर पड़े हुए थे। ये देख करके अचानक साहूकार घबरा गया और बोला, अरे अरे, कौन से कलर का पत्थर तुमने नीचे फेंक दिया, कौन से कलर का पत्थर था? तो बेटी ने बड़ी ड्रामेटिकली और बड़ी शातिरता से आंसर दिया कि साहूकार जी, ऐसा है कि मेरे हाथ से कोई भी पत्थर छूटा हो लेकिन बैग के अंदर जो भी पत्थर है उसका कलर देख के हमें पता चल जाएगा कि मैंने बैग से कौन सा पत्थर बाहर निकाला था। अब साहूकार इस बात पर कुछ बोल नहीं पाया। तो जब पंचों ने उस बैग के अंदर पत्थर को देखा तो उसमें काले कलर का पत्थर था। तो इस बात से यह सिद्ध हो गया कि जो लड़की थी उसने व्हाइट कलर का पत्थर निकाला था और शर्त के अनुसार साहूकार अब ना तो उससे शादी करेगा और ना ही उस और बल्कि उसका जो फादर है, उसका जो ऋण है, वो उसको माफ कर देगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी जीवन में जब हमारे पास कोई परिस्थितियां आती हैं तो हमारे पास भी इसी तरह के विकल्प होते हैं। या तो हम उस परिस्थितियों से भाग जाएं, या उन परिस्थितियों का सामना करते हुए हार जाएं, या उन परिस्थितियों से हम इस तरह से जूझें, इस तरह से लड़ें कि सामने वाला देख करके ये कहे कि हाँ, अगर किसी परिस्थिति से लड़ना हो तो इस तरीके से लड़ना होगा। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा जीवन के अंदर याद रखिए कि हमारा जो व्यक्तित्व होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि कठिन समस्या के अंदर, कठिन परेशानी के अंदर हम किस प्रकार से भीड़ से हट करके अपनी सोच को डिवेलप करते हैं और किस प्रकार से उस सोच को अंजाम देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।